मध्य प्रदेश के देपालपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देपालपुर में माता के भजन गाए, जिसने भक्तों को मां की भक्ति में डुबो दिया। दरअसल यहां जय शेरावाली ग्रुप द्वारा लगातार 24 साल से एक शाम माता जी के नाम से चली आ रही भजन संध्या को अब की बार 24 अवतार भगवान की पावन नगरी में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से कैलाश विजयवर्गीय भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तथा आयोजक चिंटू वर्मा भाजपा जिला महामंत्री को सम्मानित किया। करीब 3 बजे रात्रि तक भजन सुनते हैं कैलाश ने जनता को कहा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का हकदार चिंटू वर्मा है, उसी को माता रानी का आशीर्वाद है। देपालपुर को पहले बड़े गांव के नाम से बोलते थे, सुबह नाम लेने से रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन अब भजन भोजन और सम्मान सब मिलता है। उन्होंने भजन के पहले 10,000 से ज़्यादा महिला पुरुष के बीच संदेश दिया कि माँ बाप के बिना दूसरा कोई नहीं, माता पिता की सेवा आपने कर ली तो भगवान आपको मिल गए। इस दौरान प्रसिद्ध भजन गायक आशा वैष्णव ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। श्रद्धालु की बहुत ही सारी माँ के प्रति विश्वास और श्रद्धा है। देपालपुर में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्री बैरागी हमारे चिंतन वर्मा ने बहुत ही सुंदर आयोजन रखा है। हमें बहुत ही भाग्यशाली की स्मृति में मेरे भी दर्शन हुए। देपालपुर के घरा पर मैं अपनी बहनों के भक्ति का माहौल भजन संध्या के माध्यम से बना है। 24 साल पहले हमने इस भजन संध्या की शुरुआत की थी। पहले यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हुआ करते थे, अब इसका परिणाम यह होगा कि धीरे 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 देपालपुर की नवरात्रि पूरे मध्य प्रदेश में फेमस होने लगी। आज कोई अवार्ड भी मिला है, ये देपालपुर के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक स्थान पर एक व्यक्ति के द्वारा और एक संस्था के द्वारा लगातार 24 साल तक भजन संध्या हुई है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपने रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।